Hi guys, how are you all? Word of the day, और वो word है हमारा long, long. Long की meaning होती है my dear student, लंबा या फिर लंबी. Long की और एक meaning है धूल. Okay? How long is it? यानी कितनी दूर है. How long will it take? यहां पर इसकी meaning होती है कितना टाइम लगेगा. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर. वहां पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा. यहां पर लॉन्ग की मीनिंग और एक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे लॉन्गिंग. लॉन्गिंग की मीनिंग होती है तरसना या फिर तड़पना. जैसे मान लो मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही है, कभी कभार हम कहते हैं घर में, तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे कहना है, आई एम लॉन्गिंग टू सी यू. यानी मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूं या फिर मैं आपको देखने के लिए तरस रही हूं. आई एम लॉन्गिंग टू ईट इन दैट न्यू होटल. यानी मैं उस नए होटल में खाने के लिए तरस रहा हूं या फिर मैं उस होटल में खाने के लिए तरस रही हूं. I am longing to see your new flat. मैं आपका नया फ्लैट देखने के लिए तरस रहा हूं या फिर मैं तड़प रहा हूं. I am longing to see my result. जैसे एग्जाम खत्म होने के बाद हम कहते हैं ना, I am longing to see my result. यानी मैं अपना रिजल्ट देखने के लिए तरस रही हूं. यानी बेताबी से मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं या फिर कर रही हूं. I hope my dear students, आपको long और longing में क्या डिफरेंट है समझ में गया होगा. Thank you very much.